शीघ्र मेरे पास आओ। कौड़िया कौड़िया गिर रहा है। अरे कौड़िया तो मेरा गिर रहा है, आओ जल्दी मेरे पास। ये बताओ महाराज, दरबार में भी मेरा प्रतिष्ठा नहीं करता। सेनापति जी कई बार मुझ पर हाथ छोड़ दिया और फिर दोबारा हाथ चला दिया। सेनापति जी जरा आप गौर से सोचिए कि आप इस राज का सेनापति है जी। आप हथियार ले लिए, महाराज का भी हथियार लेके जा रहे हैं महाराज के पास। हम क्या है? तुम? हम पचकौड़िया है। पचकौड़िया जी, इधर सुनिए ना। हाँ। अभी तो महाराज के साथ जाएंगे जंगल। हाँ। लेकिन आप महाराज ने कहा जंगल जाने के लिए तो हम लोग तैयार हो गए। बिल्कुल। लेकिन आप कुछ सोचिए कि महाराज बार बार आपके ऊपर हाथ चलाते हैं, ये मुझे बाबू बर्दाश्त नहीं है। आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो इधर किसको बर्दाश्त हो रहा है? आपको बर्दाश्त हो रहा है? नहीं पचकौड़िया, अगर सेनापति जी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहे तो महाराज से बदला लीजिए। बदला यही मौका है। लेकिन पचकौड़िया महाराज से बदला किस प्रकार लिया जाए? अभी अभी महाराज के साथ जाएंगे यहाँ से जंगल शिकार खेलने के लिए। हाँ। वहाँ जंगल में घूम कर घूम फिर करके शिकार खेलेंगे। अवश्य खेलेंगे। जैसे महाराज मामूड में रहेंगे। हाँ। महाराज के हाथों से शस्त्र छीन लेंगे। अच्छा। दोनों व्यक्ति वहाँ से भाग कर चले आएंगे महल। महाराज तो वही समाप्त हो जाएंगे जी। महाराज जंगल में मर जाएंगे। हाँ। वहाँ के जानवर उसे खा लेंगे। हाँ। वहाँ से आएंगे महल, महल में शंकर और सुशीला बचेंगे। शंकर और सुशीला को जूस में जहर मिलाएंगे, दोनों भाई को भाई बहन को चार चार घोट पिलाएंगे। महंतपुर शहर का काटा बिल्कुल साफ हो जाएगा। बिल्कुल साफ हो जाएगा। जितना कोरा आपको चलाए हैं, आपको कोरा चलाने के लिए अधिकार नहीं बचेंगे। बिल्कुल नहीं। आपको इस राज का राजा बना देंगे। इस राज का राजा जी, टटका राजा। और मैं तुझे सेनापति बना दूंगा। लेकिन बदला लेंगे तब ना। चलो महाराज भी सफरे से इंतजार करते होंगे। चलो महाराज को ये अस्त्र और शस्त्र दिया जाए। ए महाराज, आवाज अब हथियार लग जाने के लिए। महाराज यो हो परहनामला, परहनामला हो। हराम जाबा के औलाद, हमरा सने हथियार में तेल लगा लगा घुमाय छी तो आई छै जो बढ़ाना वाला किसको कहता है रे? तोरा कहिया? हां हां, जे टेम्पो में लड़े ओकरा कहिया। आओ लीजिए आपके हथियार। हां सेनापति हथियार पकड़ दे जाइए। ना जाने मुझे आने में विलंब हो गया। मैं शंकर और सुशीला को हवेली में समझा रहा था। मैं शंकर और सुशीला के पास ही बैठा था। शंकर सुशीला को समझा दिए तो इस समय करना है क्या? चलो हम लोग शिकार खेलने को जंगल चलते हैं। जी जी महाराज, क्यों नहीं? शिकार खेलने के लिए बाबू नबका हथियार कसाए हैं। हराम ज्यादा कहीं का यहाँ शिकार जंगल में, जंगल में, जंगल में। यही निशाना लगा है, यही है महाराज धुरधुरिया। इसी का नाम है धुरधुरिया। ये राम बाण है जी। जी चलिए यहाँ से जंगल चलिए। कितने दानव का इसी से कल्याण हुआ है। चलो चलो विलंब न करो।
हमरा टांग तो पाछवे खींचे छे हम ये क्या क्या है महाराज ए महाराज ये क्या ये क्या ऐ हो नहीं ये क्या निशाना बनवे छे जंगल कितना घनघोर है जी जी महाराज हमरा टांग पाछवे खींचे और जंगल में बूढ़े बूढ़े शेर देखो बाल दाढ़ी देखो पक गया बूढ़े बूढ़े शेर को मारूंगा बेमौत उसे वैसे नहीं मरने के लिए देना है और शंकर सुशीला के लिए खिलौना भी पकड़नी है। चलो पहले पूरब दिशा में चलते हैं। जी जी महाराज ठीक है महाराज पहले पूरब खंड शिकार खेला जाए अपन ही मां हमारा भाई हो बाबूजी आहो या जुदी रासी जिंदा पकड़ना है नीलपुरी गला रे तेरा पहिल गदी किसका शिकार का किधर है दिखा